संकट मोचन हनुमान के जन्मोत्सव को लेकर गुरुवार को गिरिडीह में हुए कार्यक्रम में राम भक्तों का जुनून दिखा। इस दौरान सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जबकि हिंदू जागरण मंच की ओर से भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में तीनों संगठन के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के सर्कस मैदान में हजारों की संख्या में राम भक्तों का जुटान हुआ। हर एक राम भक्त भगवा ध्वज लिए शोभा यात्रा में शामिल हुआ। हिंदू संगठन की शोभा यात्रा को लेकर गिरिडीह पुलिस के अधिकारी भी सक्रिय नजर आए। डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह और नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो इस दौरान पुलिस जवानों के साथ मुस्तैद दिखे। इधर हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह पूरे जिले भर में दिखा। हर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार से संकट मोचन का आह्वान भी किया गया। कमोवेश पूरा गिरिडीह हनुमान भक्ति में डूबा नजर आया। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।